मैं हूं आपके साथ ऋतु गहनवाई। सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पर कटे कल्याण जनपद से बीजेपी समर्थक प्रत्याशी बनी अध्यक्ष सुनीता भास्कर के पक्ष में आज है वोट, चार वोट विपक्ष में पड़े हैं, एक वोट रिजेक्ट किया गया है। कटे कल्याण में भाजपा की सुनीता भास्कर को जीत मिली है। आपको बता दें खबर, अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। दंतेवाड़ा कटे कल्याण गीदम जनपद में बीजेपी का कब्जा रहा, कुआ कोंडा में कांग्रेस की जोगी कर्मा भी बनी। कटे कल्याण में भाजपा की सुनीता भास्कर की जीत, दंतेवाड़ा कटे कल्याण गीदम जनपद में बीजेपी की जीत, जनपद अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। दंतेवाड़ा कटे कल्याण गीदम जनपद में बीजेपी का कब्जा रहा है, कुआ कोंडा में कांग्रेस की जोगी कर्मा बनी अध्यक्ष। अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी, आपको बता दें जनपद अध्यक्ष चुनाव में दंतेवाड़ा कटे कल्याण गीदम जनपद में बीजेपी अग्रणी, कुआकोंडा में कांग्रेस की जोगी कर्मा अध्यक्ष बनी है। कटे कल्याण में भाजपा की सुनीता भास्कर की जीत। अधिक जानकारी के लिए पंकज भदौरिया जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट अभी तक के? चारों जगह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया है। जनपद की सीटों में तीन जगह में बीजेपी ने कब्जा जमाया है, तो वहीं पर एक जगह कांग्रेस का कब्जा रहा है। आपको बता सकते हैं गीदम जो जनपद है उसमें भाजपा के अध्यक्ष अंति बेग महिला प्रत्याशी बनी है, तो वहीं पर उपाध्यक्ष मणिराम हक्का बने हैं। दंतेवाड़ा में अध्यक्ष पद में भाजपा की सुनीता भास्कर बनी है, उपाध्यक्ष जयदयाल नागेश बने हुए हैं। तो वहीं पर कटे कल्याण में अध्यक्ष राधिका पोड़ियाम बनी है और उपाध्यक्ष सीपीआई को गया है जो कि जितेन सोरी लिखते हैं। वहीं कुआकोंडा में कांग्रेस का कब्जा है, यहाँ पर अध्यक्ष पद पर जोगी कर्मा बनी है कांग्रेस पार्टी की और उपाध्यक्ष अवधेश पुष्पा गौतम बनी है। तो चारों में से बीजेपी का पड़ला दंतेवाड़ा में भारी रहा, इसमें तीन जगह पर बीजेपी ने पूरी तरीके से कब्जा जमाया अध्यक्ष पद पर। वहीं कांग्रेस एक की जगह रही जो कि पिछड़ी हुई नजर आ रही। जी पंकज, क्या लगता है आखिर क्या वजह रही जो यहाँ पर कांग्रेस पीछे रह गई और कांग्रेस ने मात खा ली यहाँ पर? दरअसल ऐसा है कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की कार प्रणाली है उस पर भी कई सवाल या निशान उठते हैं। जैसे कि जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें दंतेवाड़ा दो चरणों में चार सीटें ले चुकी थी कांग्रेस, उसके बाद भी जो आखिरी और अंतिम चरण था कुआकोंडा का, वहाँ पर कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ी और दोनों सीट उसे वहाँ पर अपनी गंवानी पड़ी। इसलिए ये जो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है ये क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की वजह से बढ़ा है। हालांकि प्रदेश में सभी जगह कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, लेकिन दंतेवाड़ा में ऐसी स्थिति नजर नहीं आई। जी पंकज, कल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, उसके क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? दंतेवाड़ा जिला पंचायत में भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही ऑलरेडी 5 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस के पास महज 4 ही सीट है और एक सीपीआई की है, और जो सीपीआई की प्रत्याशी है बिमलापुरी जो जीती हुई है, वहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं उतारा था। बीजेपी का यह दावा है कि वो हमारी समर्थित प्रत्याशी है। तो इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो 6 का आंकड़ा बीजेपी पूरा करती है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन अगर कोई उलट फेर होता है और यदि वो सीपीआई की प्रत्याशी कांग्रेस को समर्थन देती है तो टाई अप हो जाएगी दोनों के बीच। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।